कांतारा मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ये 14 अक्टूबर को रिलीज हुई है हिंदी में। मूवी को जितनी बार भी देखो उतनी बार अच्छी लगेगी। मूवी जबरदस्त और शानदार है। सिर्फ 16 करोड़ में मूवी बनी हुई है। रिव्यूज ट्रेलर एलसी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए इस मूवी पर बात करते हैं। कैसी है मूवी, स्टोरी क्या है, बात करते हैं। इस मूवी की कहानी हिस्टोरिकल है, जो हिस्ट्री पर बेस है। मूवी की कहानी शुरू होती है 1847 से। इसमें एक राजा को दिखाया गया है जो अपनी मन की शांति के लिए जंगलों में घूमता रहता है। उसे एक बार एक मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति को देखकर उसके मन को बहुत शांति मिलती है। राजा जंगल में रहने वाले लोगों से बात करता है। राजा कहता है कि इस मूर्ति को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं आप लोगों को 100 एकड़ जमीन दूंगा इस जंगल में। वो लोग मान जाते हैं और मूर्ति राजा अपने साथ ले जाता है और उन लोगों को 100 एकड़ जमीन दे देता है। फिर वो लोग जंगल में आराम से रहने लगते हैं और अपने हर त्योहार को आराम से मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कहानी जब शिफ्ट होती है 1970 में, उस राजा के वंशज उस जमीन को वापस लेने के लिए उन लोगों को धमकाते हैं जो जंगल में रह रहे होते हैं, और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे। इस लालच की वजह से उस राजा के वंशज अकस्मात रूप से गायब हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी आगे बढ़ती है 1990 में। मूवी में आगे शिव को दिखाया जाता है। शिव वही होता है जिसके पिता पहले देव की पूजा करते थे और देव की पूजा करते हुए वो गायब हो जाते हैं। लेकिन शिव फिर से वही पूजा नहीं करना चाहता था। इस मूवी में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में है, उनका नाम शिव होता है। इस मूवी में जिन भगवान को दिखाया गया है वो गुलिया देव नाम से जाने जाते हैं, जो शिव का ही एक स्वरूप बताया जाता है। मूवी में उनको अच्छी तरीके से सही ढंग से दिखाया है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो सरकार की तरफ से होता है। वो बताता है कि ये जमीन सरकार की है। वो जमीन पर सरकार का फिर से कब्जा करने के लिए उन लोगों को वहां से भगाने की कोशिश करता है। इस मूवी में क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि कैसे जो आस्था नहीं रखने वाला भी भगवान में आस्था रखने लगता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको जबरदस्त लगेगा। शानदार क्लाइमेक्स है जिसको अच्छे से दिखाया गया है। जहां तक इस मूवी की एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अपना काम अच्छे से किया। ऋषभ शेट्टी का काम बहुत ही बढ़िया लगा। म्यूजिक की बात करें तो शानदार BGM है। मूवी की लेंथ की बात करें तो ये 2.5 घंटे की मूवी है, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। वन टाइम वॉच मूवी है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी शानदार है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।